हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। किंग ऑफ गैब्रियल एंड पेज ऑफ माइकल की एनर्जीज में ये बने हुए हैं आपको लेकर। कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। एंड ऑल्सो पेज ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज। यू हैव वॉट इट टेक्स टू सक्सीड, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थोरोली। तो यहाँ पर हो सकता है ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक नाइव की एनर्जीज में देख रहे हैं, जहाँ पर आपके नहीं बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर नैगिंग में आ जाते हैं उनके साथ। बहुत ही लीस्ट वेज में आप एक डिमांडिंग रखते हो इनकी तरफ, जबकि ये आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, बहुत कुछ बिग लेवल्स पर चाहते हैं, लेकिन हर बार कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही छोटी बातों को लेकर होता होगा। और आपके पर्सन यही सोच में पड़ जाते होंगे कि ये पर्सन मुझे क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते, यानी कि जो मेरी फेमिनिन है, व्हाई शी डजंट अंडरस्टैंड मी। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये एनर्जी है। तो हर बार यही होता होगा गाइस कि आप इन्हें या तो इन पर डाउट कर लेते हो या फिर इस कनेक्शन पर डाउट कर लेते हो। इस जर्नी पर आपको कभी कभी डाउट हो जाता है कि पता नहीं जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही सब कुछ प्रोसीड होगा भी या नहीं। एक डाउटफुलनेस के चलते आप इस पर्सन पर हमेशा या तो एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन क्रिएट करते होंगे इनके साथ, या फिर इन पर ब्लेम करते होंगे, इनकी तरफ पॉइंट आउट करते होंगे कि इन्हीं चीज़ों को लेकर, या फिर वॉक अवे करने की बात करते होंगे। तो शायद आपके पर्सन आपको एक तरह से अपनी तरफ अटेंटिव रखने के लिए कोई वे आउट तलाश कर रहे हैं कि मैं इस पर्सन को समझा सकूं, यू नो। इनको बार बार जो मुझ पर एक डाउट सा महसूस होता है, इस पर्सन को मैं इस तरह से समझा सकूं कि मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूं, पैशनेट हूं, मैं इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहता हूं या चाहती हूं, फाइन। बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका वो अटेंशन ये कैसे बरकरार रख सके, अपनी तरफ बना कर रख सके, क्योंकि हर बार यही होता होगा, या तो आप इनसे वॉक अवे हो जाते होंगे, एक ऑन एंड ऑफ यहाँ पर बना रहता होगा। तो सिनेरियोस जो भी हैं, आपके पर्सन आपके तक कुछ कन्वे करना चाहते हैं, और शायद इनको लगता है कि आप तक इनकी वो बातें, इनका वो इंटेंशन पूरी तरीके से कन्वे नहीं हो पा रहा है। तो शायद दे आर जस्ट फाइंडिंग आउट द वे कि कैसे मैं अपनी पर्सन को समझा सकूं ये बात कि मैं यहाँ पर लॉयल हूँ, यहाँ पर ऑनेस्ट हूँ, और मैं एक जस्टिस पर ही बिलीव करता हूँ या करती हूँ। मैं आपकी तरफ एक जस्टिस ही प्रेजेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा, मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा, इस कनेक्शन पर भरोसा रखना पड़ेगा, और ये जो सोल लेवल की जो कनेक्टिविटी है इस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और हर बार ऐसा इसलिए होता होगा गाइस कि आप अपने माइंड की एनर्जी को अपने आप पर हावी होने देते हो। मतलब आपका दिल जानता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डेस्टाइन हैं, कैसे ये जो प्लान है वर्कआउट होगा, कितना आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, एक आइडिया आपको है, लेकिन कभी कभी आपका माइंड आपको ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियोज या फियर्स शो कर देता होगा कि आप डर जाते हो। और आप जब डर जाते हो तो आप इस तरह से बिहेवियर्स में आ जाते हो जो कि शायद आप अपने पर्सन पर पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें इम्पोज कर देते होंगे। जैसे कि आपने कुछ सोच लिया, आपका तो मूड ख़राब हो गया, और साथ ही साथ आप इनकी तरफ भी वो सारी एनर्जी, वो सारी बातें कह देते हो, इनका भी मूड ख़राब हो जाता होगा। तो आप दोनों के बीच में जो एक ब्यूटिफुल ब्लिसफुल एनर्जी का जो पेस बना रहना चाहिए वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाता होगा। तो एक डिस्टर्बेंस अगर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, तो मोस्टली ये आप ही की वजह से होता होगा, जबकि आपके पर्सन एक गोल सेट करके बैठे हैं यहाँ पर, यू नो। और शायद इसी वजह से ये किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहते, और हर बार आप कोई ड्रामा लेकर आते हो, और इस वजह से अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं,
तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा पिटी फील करते हैं कि मैं कैसे समझाऊं इस पर्सन को, यू नो, जबकि मैं हर चीज बता चुका हूँ या बता चुकी हूँ, मेरे सिनेरियोज में बता चुका हूँ या बता चुकी हूँ। तो शायद आपको वो कंप्लीट भरोसा नहीं होता होगा इस पर्सन पर। रीजंस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियोज हो सकती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं गाइस, अगर इनके लाइफ में ये करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं तो इस वजह से भी आप इन पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे। एंड अदर देन दैट, अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उस वजह से भी आप हमेशा एक इनसिक्योरिटी महसूस करते होंगे कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, और आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा नैगिंग चला जाता होगा इनकी तरफ। तो ये सिचुएशन चल रही है अभी आप दोनों के बीच में कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, दे आर वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, दे आर जस्ट कीपिंग एन आई ऑन द बिग पिक्चर, ये बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में आपके साथ, यू नो। तो आप इन पर ट्रस्ट करें, यही ये शायद आपकी तरफ कहना चाहते हैं आज के एनर्जीज के चलते गाइस। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ गैब्रियल की बनी हुई है। फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। तो एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। चीज़ें अगर नेगेटिव आपको नज़र भी आ रही हैं तो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन चीयर योर सेल्फ। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आपको कोई भी उस एनर्जी में कमबैक नहीं करवा सकता होगा, कोई भी आपको समझा ही नहीं सकता होगा। जब आप खुद से अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को तब आप नॉर्मल हो जाते होंगे, और ऐसा ही हुआ होगा आज भी। अगर आपके और इनके बीच में कुछ दिनों से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या फिर चीज़ें सही से नहीं बैठ रही थी, तो आप ही ने खुद में वो एक प्लेफुल या ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर दोबारा से बना लिया है, ताकि आप इस कनेक्शन पर उसी तरीके से कमबैक कर सकें जिस तरह से आपके पर्सन चाहते हैं। और आपके पर्सन की तरफ से आपको उसी तरह का सपोर्ट मिलता होगा, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती होगी। लेकिन कभी कभी मैंने जैसे कि कहा ना कि कुछ चीज़ें आप ऐसी देख लेते हो, कुछ चीज़ें ऐसी डिस्टर्ब कर जाती हैं आपको कि आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं करने लगते, कि आप इस पर्सन पर वो भरोसा खो देने लगते हो, या फिर इनसिक्योरिटी में आ जाते हो, एक नैगिंग बिहेवियर्स में आ जाते हो। तो आज की एनर्जी के चलते, या तो आज ही आपकी एनर्जी लाइटन अप हो सकती है एक तरह से, अगर बर्डन सम चल रही हैं तो वो बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड दोबारा से बिल्ट अप होगा, ठीक है। अगर नहीं तो आपको ये करना चाहिए, अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा, वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में नहीं सोचना है, पॉजिटिव माइंड फ्रेम में बने रहना है, भले ही सिनेरियोज जो भी हों, 3D फ्रंट पर जो भी चल रहा हो, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, इस कनेक्शन पर विश्वास होना चाहिए और अपने पर्सन पर विश्वास होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए इस चीज़ पर बिलीव रख पाना, क्योंकि हर बार जब चीज़ें 3D फ्रंट पर नेगेटिव ही जाती हुई नज़र आती हैं तो इस कनेक्शन पर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन आपका इनर गाइड आपको टाइम टू टाइम वो इशारा देता होगा, जैसे कि अगर आप रॉन्ग जा रहे हो इस कनेक्शन में, तो आपको आपका इनर सेल्फ गाइड कर देता है उसी समय कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाओ, वापस से कम बैक करो। ऐसा अगर आपको एक इंट्यूशन आ जाता है और उस इंट्यूशन के साथ एक सुकून आपको महसूस होता है ना, तो वो सही फैसला रहता है। जब भी आप कोई डिसीजन कर रहे हो, दो तरह की फीलिंग्स आप फील करोगे। अगर आप शांत हो और बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो वो सही डिसीजन है। अगर आप घबराहट में हो और आपका माइंड आपको कह रहा है कि करो करो, लेकिन दिल में घबराहट फील हो रही होती है, तो समझ लेना वो रास्ता आपके लिए गलत है। ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी एक जो वाइब है नर्वसनेस वाली या एक घबराहट वाली, जब भी कभी आपको महसूस हो रही है, याद रखना वो गलत डिसीजन होगा आपके लिए। तो वहाँ पर आपको रुक जाना है, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो या तो फिर जल्दबाजी कर रहे हो। जब आप रुक जाओगे तो सब कुछ फिर बैलेंस हो जाता है। अगर आप नहीं रुकते फिर भी आप कोई एक्शन रख देते हो, तो जो उसका नुकसान है, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इवेंचुअली आप ही को फेस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं गाइज। फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस एनर्जी।
सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस फॉर गिविंग एंड हीलिंग एनर्जी. तो ये सॉल्यूशंस आपको या तो लेकर आने पड़ेंगे या फिर सॉल्यूशंस आपके लिए लाए जा रहे हैं बाय द यूनिवर्स. तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियोस को सोचकर बार बार अपने पर्सन के साथ झगड़ने की ज़रूरत नहीं है. यू नो सॉल्यूशंस हैं, आप अट्रैक्ट करोगे उन्हें जब आप एक पॉजिटिव फ्रेम में रहोगे तो फाइन, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है गाइस. ये पॉजिटिविटी कैसे आती है, जब आप किसी चीज़ के लिए नैगिंग नहीं रहते हो, कंट्रोलिंग नहीं रहते हो और किसी चीज़ के लिए जिद में नहीं रहते हो. जिद का मतलब यहाँ पर ये है कि यू आर जस्ट नॉट कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स, यू आर जस्ट सरेंडरिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स द यूनिवर्स. तब आप कहोगे कि आप जिद में नहीं हो, आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस आप लीस्ट रख रहे हो, अपना अप्रोच सही रख रहे हो, तो तब सॉल्यूशंस मिलेंगे. अगर आप किसी चीज़ को बार बार उसी तरीके से डील करोगे जहाँ पर आपका एक रॉन्ग अप्रोच जा रहा है, तो आपका बना बनाया जो एक यू नो ब्यूटीफुल सा ड्रीम है वो भी ट्रैनिश होने लगेगा डे बाय डे. आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट खोते जाएंगे, क्योंकि हर बार आपका ऐसा बिहेवियर आएगा तो आपके पर्सन कब तक इस चीज़ को संभालते रहेंगे. गेटिंग माय पॉइंट. ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर सोलमेट्स की महसूस हो रही है. ये आपके सोलमेट्स हैं और सोलमेट्स हमेशा सीरियस होते हैं गाइस. ये आपको धोखा नहीं देंगे, इस बात की तसल्ली आप रख सकते हो. दे आर जस्ट ब्रिंगिंग द सॉल्यूशंस फॉर यू. ओके, यू गाइस जस्ट नीड टू हैव पेशेंस हियर और एक सेल्फ कंट्रोल में बने रहें. जितने भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उन पर एक पॉजिटिविटी के साथ अपना अप्रोच रखें. तो क्रॉस रोड्स की एनर्जीज भी आपके लिए यही कहती है, जो कि यूनिवर्स का साइन है आपके लिए. फियर में रहकर एक गलत डिसीजन लेने से बेटर है जस्ट काम डाउन, रिलैक्स. अगर आपको वो ब्लिसफुल एनर्जी महसूस हो रही है तब आपको एक्शन रखना चाहिए. क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, जब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो तो आपका दिल कुछ कह रहा होता है, आपका दिमाग कुछ कह रहा होता है, और चांसेस ऐसे रहते हैं कि आप दिमाग की ही सुनते हो, क्योंकि दिमाग ने आपको वैसे सारे रियलिटीज़ शो की होती हैं जो कि एक्चुअल में आपके फियर्स हैं, और उस फियर्स के चलते एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है डर का, और आप डरते डरते कुछ गलत फैसला ले लेते हो. फाइन, और आपका दिल वहाँ पर खामोश रह जाता है, क्योंकि दिल ने आपको पहले से ही वार्निंग दे रखी होती है लेकिन आप उसको सुनते नहीं, और कॉन्सिक्वेंसेस फिर आप ही को फेस करने पड़ते हैं. तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, वेन एवर यू गाइज आर ऑन क्रॉस रोड्स, जस्ट ट्राई टू लिसन टू योर हार्ट, हैव पेशेंस. पहले तो काम डाउन हुआ करें, लाइक जस्ट ब्रीद एंड देन यू गाइज हैव टू थिंक अबाउट द एनर्जी, कि क्या फील हो रहा है आपको, घबराहट महसूस हो रही है, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, देन स्टॉप, डोंट टेक एनी डिसीजन और डोंट टेक एनी एक्शन. अगर काम डाउन हो, आप रिलैक्स्ड हो, अच्छा फील हो रहा है, एक सुकून है, तब आप वो एक्शन रख सकते हो, वो डिसीजन ले सकते हो. ठीक है, तो हमेशा रुकना सही रहता है एज में डिसीजन लेने से बेटर. ओके, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, वहाँ पर हम आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानेंगे गाइस. तो ट्यून इन करना मत भूलेगा, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.